थी आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की चुनावी सभा उपचुनाव के चलते सांची विधानसभा के अंतर्गत रायसेन नगर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती द्वारा कार्यकर्ता जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता का विश्वास और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। मध्य प्रदेश की जनता ने दोनों शासन को देखा है, पहले बीजेपी और बाद में कांग्रेस। बीजेपी के द्वारा कई विकास कार्य किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही है, कोई मुझे भूखा नंगा कहता है तो कोई कमीना बोलता है, ये कांग्रेस की बौखलाहट है। हम मध्य प्रदेश के विकास और कल्याण की बातें करते हैं। कांग्रेस द्वारा कई योजनाएं बंद कर दी गई थी जो हमने फिर से चालू कर दी है। बीजेपी सरकार किसानों और युवा वर्ग के खेत की सरकार है। मध्य प्रदेश की जनता विकास के साथ है, बीजेपी के साथ है। रायसेन संवाददाता अली हसीन की रिपोर्ट। इस चुनाव में कमलनाथ जी हैं। अरे लीड निकल गई, लीड यार, तुमने पूरी गाइड बिगड़वा दी सर। जुबेर भाई प्राप्त है जी, दोनों शासन को लोगों ने देखा है जी। 15 महीने का उनका और नीचे कर लो, मेरा और 6 महीने का जी। विकास, जनता का कल्याण जी, और प्रदेश के उत्थान के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के मित्र बौखला रहे हैं और अब लगभग गाली गलौज की भाषा मेरे लिए बोल रहे हैं। कहीं का नेता आके कमीना कह देता है, कोई नंगा भूखा कहता है, कोई नालायक कहता है। अब ये उनकी बौखलाहट है, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा और प्रदेश का विकास। एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमको बनाना है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भाई साहब कितनी सीटें, भाई साहब कितनी सीटें आने की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी सभी 28 सीटें जीतेगी।